माय गॉड, यू कैन सी अ लॉट ऑफ स्काई हाई बिल्डिंग्स। बच्चे कितनी कमाल की स्केटिंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, सलामत दतंग दी जकार्ता इंडोनेशिया। इस वक्त आपका भाई मौजूद है सेंट्रल जकार्ता में, जो कि मॉडर्न जकार्ता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्काई हाई बिल्डिंग्स, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन, साफ सुथरे रोड और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिक का सिस्टम देख रहे हैं। ये है जकार्ता। और अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं कि मैं कहां पर हूं, तो ये बंदुगान हिलेर एक MRT का स्टेशन है, मैं वहां पर मौजूद हूं। और अभी मैं जा रहा हूं SCBD एरिया, जो कि इससे भी ज़्यादा मॉडर्न एरिया है। तो अभी हम वहां पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हाउ डज़ इट लुक लाइक एंड हाउ डज़ इट फील लाइक टू बी इन मॉडर्न जकार्ता। लुक एट दिस स्काई हाई बिल्डिंग्स, लग्जरी ट्रांसपोर्टेशन, साफ सुथरे रोड। इस तरह लग रहा है कि आपका भाई जकार्ता में नहीं, न्यूयॉर्क में मौजूद है। देख रहे हैं कितना खूबसूरत यहाँ पर मंजर है सारा। अभी हम आगे चलते हैं और आपको चलकर दिखाते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं जकार्ता में। बिल्कुल देख रहे हैं कि सन किस फेस भी आपके भाई का। तो अभी आपका भाई उसी जगह पर मौजूद है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ जा रहे हैं, SCBD एरिया की तरफ। तो मेरे साथ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है मेरे राइट साइड पर, और मेरे लेफ्ट साइड पर शहर की चहल पहल भी है। और आपका भाई देख रहे हैं कि एक ग्रीन ट्रैक के ऊपर बिल्कुल आसानी के साथ वॉक करता हुआ जा रहा है। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इंडोनेशियन गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटीज़ है। पैदल चलने वाले को प्रॉपर तौर पर हिस्सा दिया जाता है कि हम यहाँ पर भी चल सकते हैं। इसके अलावा वो देखें, वो ट्रैक भी बना हुआ है, पेडेस्ट्रियन ट्रैक, वहाँ पर भी चला जा सकता है ताकि पैदल चलने वालों को सेफ़ फील करवाया जाए रोड के ऊपर। और ये ऊपर से एक फ्लाईओवर जा रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता हम मज़ीद जकार्ता के मॉडर्निज्म की तरफ जा रहे हैं। आपको आगे चलकर दिखाऊंगा कि कितनी ज़्यादा स्काई हाई बिल्डिंग्स है जकार्ता की। पूरी स्काई लाइन आपको मैं दिखा दूंगा, आपको पूरा मज़ा आ जाएगा। अगर मज़ा ना आया यकीन करें अनसब्सक्राइब कर देना, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ये देख रहे हैं जनाब के बार बार यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जा रही है और सामने स्काई हाई बिल्डिंग्स हैं। और जनाब अभी हम इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए वहाँ पर रोड को परले साइड पर जाएँगे। देख रहे हैं कि कितना ऊँचा ब्रिज है, साथ ही टॉल बिल्डिंग्स देख रहे हैं। अभी भी हमारा 1.5 किलोमीटर्स रहता है, और जैसे ही 1.5 किलोमीटर्स ख़त्म होगा तो फिर आएगी हमारी असली डेस्टिनेशन SCBD एरिया। लेकिन यह है कि वहाँ पर आपके भाई ने इरादा किया कि पैदल जाऊँगा पूरा 1.5 किलोमीटर। तो ये देख रहे हैं कि कितना तंग सा ये एक ब्रिज बना हुआ है पैदल चलने वालों के लिए, ताकि वो रोड को क्रॉस कर सकें। और वो सामने देखें कि भाई मॉडर्न जकार्ता है वो, हम बस पहुँचने वाले हैं। और अभी भी आपका भाई चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है। मंचित 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 देख रहे हैं, जकार्ता की ट्रैफिक जो है ना भाई, इसका मुकाबला नहीं है। तो देख रहे हैं कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर। गोजैक और ग्रैब के ड्राइवर्स काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि इंडोनेशिया के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये गोजैक और ग्रैब वगैरह। और ये क्या है जनाब, आई डोंट नो कि ये क्या है। मुझे लगता है कि पुलिस हेडक्वार्टर है। नो मेट्रोपोलिटन, आई डोंट नो कि ये क्या है। लेकिन यह बिल्डिंग तो बड़ी क्लासी किस्म की बनाई हुई है इन्होंने। और ये देखें, हाय 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 हाय, कितनी कमाल की बिल्डिंग है सामने वाली। लेकिन ये कुछ भी नहीं है, जब SCBD जाना ना हमने, तो भाई SCBD आपको न्यूयॉर्क से अगर कम लगाना तो फिर कहना, मुझे लगता है न्यूयॉर्क से बेहतर ही होगा। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कैलोरीज को बर्न कर रहा है संजीव मायू, ये। तो जनाब अभी आपका भाई आपको जो चीज़ दिखाने लगा ना, यकीन करें आपके होश उड़ जाएंगे। लिटरली आप कहेंगे कि भाई कहाँ ले आए, कोई वाशिंगटन DC, दुबई, कोई न्यूयॉर्क, कुआलालंपुर या सिंगापुर तो नहीं ले आए। ये चेक करें, आए हाय 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 जनाब, वेलकम टू SCBD एरिया ऑफ जकार्ता। देख रहे हैं, ओए 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 भाई, कितनी स्काई हाई बिल्डिंग और कितनी ज़्यादा है। यकीन करें अभी तो हमने इसको स्टार्ट किया एक्सप्लोर करना, तकरीबन 1.5 किलोमीटर पैदल चल कर आया आपका भाई यहाँ पर। तो डेफिनेटली जगह मज़े की है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। वो सामने देख रहे हैं पैसिफिक पैलेस मॉल है, उसके ऊपर भी मैंने प्रॉपर अपना वीलॉग बनाया हुआ, आप उसको भी देख सकते हो। और अभी हम आगे चल रहे हैं। यार मैं तो कहता हूँ कि यार कितनी मज़े की जगह है, लिटरली आए हाय हाय, मैं मुँह में पानी आ गया। ये खाने वाली चीज़ भी नहीं है, फिर भी मुँह में पानी आ गया। और देख रहे हैं जनाब मेरे पीछे कितनी ज़्यादा बिल्डिंग है, वो देखें, वन पैसिफिक पैलेस, और साथ मैरी क्रिसमस लिखा हुआ है, क्योंकि क्रिसमस सीज़न चल रहा है इंडोनेशिया में। हर जगह क्रिसमस की जो है बिल्कुल डेकोरेशन हुई हुई है। और ये देखें कि कितना मज़े का एक बनाया हुआ ट्रैक है, यहाँ पर लोग पैदल चल भी सकते हैं, अक्सर लोग यहाँ पर जॉगिंग भी करते हैं। और आपका भाई भी कहता ये जॉगिंग तो नहीं है, ये कोई बंदर डांस लग रहा है मुझे।
ये देखें जनाब, ये पैसिफिक पैलेस मॉल की एक एंट्री यहाँ से है और एक वहाँ से थी जो पीछे हमने देखी है। भाई बिल्डिंग्स देख रहे हो, पहले रुको 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 रुको, ये पहले बिल्डिंग्स देखो। हाय 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 से माशाल्लाह। तो अभी तो ये बिल्डिंग्स का स्टार्ट हुआ है, ये मॉडर्न जकार्ता जनाब देख रहे हैं। और ये देखें जनाब, फाउंटेन, फ्लावर्स, वो खूबसूरती की इंतहा है जनाब। ये देख रहे हैं कितनी ग्लास क्रिस्टल क्लियर बिल्डिंग है। सामने जो है वो उसका अक्ष नज़र आ रहा है जो मेरे पीछे बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग का। यार मैं कहता हूँ भाई, जकार्ता जो है ना, मंतव है मंतव, जकार्ता आकू चिंता कामू, आकू चिंता इंडोनेशिया। और देख रहे हैं कि वो सामने ब्लू बर्ड, जो कि यहाँ की एक टैक्सी सर्विस है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल टैक्सी सर्विस है, वो खड़ी हुई है। और साथ देखें जनाब, रोड्स कितने मज़े के हैं, गाड़ियाँ कितने सुकून से चल रही हैं, ट्रैफिक का बड़ा अच्छा निज़ाम है। और ये है द कैपिटल रेजिडेंसी, ये अपार्टमेंट्स हैं। ओ माई गॉड, मुझे लगता है कि ये 70 और 80 फ्लोर्स होंगे इसके। आपके भाई ने देखें कि अभी भी अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, थोड़े से मेरे व्यूज़ ज़्यादा बढ़ने दें, उसके बाद ये कैपिटल रेजिडेंसी में आपके भाई ने अपार्टमेंट लेना है। आपको पता है अमीर बंदा हूँ, अमीर सोच है, ले लूँगा। ओए 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 ओए, वो देखो कितनी कमाल की बिल्डिंग है। और जनाब यहाँ से हमने फुटपाथ को, इसको ज़ेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करके वहाँ पर जाना है। सॉरी दिस इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक बहुत इंग्लिश, आई एम सॉरी। आपको मैंने बताया भी है, मेरी बात आप यकीन नहीं करते। देखें क्रिसमस सीज़न चल रहा है कि नहीं चल रहा, हर जगह सेंटा क्लॉज, और यहाँ पर वो बर्फ़ के जो है ना, उनको पता नहीं क्या कहते हैं, वो मुजस्मे बनाए हुए हैं। और साथ ही देखें कि यहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ से हम रोड को क्रॉस करेंगे। देख रहे हैं कि प्रायोरिटी दी जाती है यहाँ पर, डरते हैं लोग भाई पैदल चलने वालों से, सारी गाड़ियाँ आहिस्ता हुई हैं कि नहीं। पाकिस्तान में जिसके पास फॉर्चुनर होती है वो तो अपने आप को सेठ समझता है। ओए होए होए, ये चेक करें जनाब, बच्चे यहाँ पर रोलर स्केटिंग कर रहे हैं, और ये कोच है बीच में खड़ा हुआ इनका, जो इनको सिखा रहा है। अभी हम यहाँ से उस साइड पर चलते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रीट लग रही है मुझे ये, इसका नाम है सुद्रीमान स्ट्रीट। यार मैं ना हमेशा से यही लाइफ जो है ना, वो सोच रहा हूँ कि मैंने इसी तरह सुकून की एक पुरसकून स्ट्रीट हो, वहाँ पर आपके भाई ने बैठ कर काफ़ी का कप पकड़ा हो, कुछ नज़ारे ले रहा हो, और ले रहा हूँ। ये देखें बच्चे कितनी कमाल की स्केटिंग कर रहे हैं, वो बीच में कोच है, कोच खुद गिरने लगा था। यहाँ पर मुझे लगता है लाइव म्यूज़िक भी होता है, देखते हैं कि क्या क्या होता है यहाँ पर। बाकी ये देखें कि कितनी कमाल की बिल्डिंग्स, ओए होए होए होए, बहुत ही मॉडर्न एरिया भाई ये जकार्ता का। ये देख रहे हैं कितनी स्काई हाई बिल्डिंग्स हैं, और नीचे ये चेक करें कि यहाँ पर लाइटिंग लगाकर, ये टेंट वगैरह लगाकर बैठने की जगह बनाई हुई है। और यहाँ पर ये लोग कौन हैं, ये यहाँ पर कोई कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, और ये भाई साहब यहाँ पर म्यूज़िक सुन रहे हैं। इसके अलावा देखें आगे कि वो प्रॉपर स्टेज तैयार हो रहा है वहाँ पर लाइव म्यूज़िक के लिए, तो म्यूज़िक स्टार्ट हो गया है। अभी आपका भाई वाइब लेगा यहाँ पर, फिर बाद में आगे जाएंगे। सलामत दतंग दी जकार्ता इंडोनेशिया, ओ माय गुडनेस ऑफ मर्सी, दिस इज मॉडर्न जकार्ता, ओ माय गॉड, यू कैन सी अ लॉट ऑफ स्काई हाई बिल्डिंग्स। ये जकार्ता नहीं भाई, न्यूयॉर्क है। ये देख रहे हैं, ओए होए होए होए, ये फाउंटेन चेक करें कितनी प्यारी लगी है यहाँ पर। सामने ग्रैंड लकी मॉल है, सॉरी सुपर स्टोर है। अभी यहाँ से हम रोड को क्रॉस करके परली साइड पर जाते हैं, तो ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, डेफिनेटली ये स्लो हो जाएंगे मगर मैं यहाँ से चलूँगा। तो बाकी ये सामने देखें द लिंगम, एक टावर है वहाँ पर, कितनी कमाल की फाउंटेन लगी हुई है। बाकी भाई साहब जो जकार्ता है ना, मुझे लगता है कि ये न्यूयॉर्क से आगे की चीज़ है। यहाँ पर बिल्डिंग्स देख लें, लाइफ स्टाइल देख लें, सारी चीज़ें, रोड्स देख लें, सब कुछ बहुत कमाल का है। और भाई साहब अभी आपका भाई ये देखें, एक टेम्पलिंग जगह है यहाँ पर, एक क्रिसमस के एजाज़ में एक छोटी सी मार्केट सजाएगी जहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो आपका भाई इसको भी एक्सप्लोर करेगा और साथ साथ आपको बताएगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। ये देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं, हलो, बहुत ही कमाल की मार्केट मुझे ये लग रही है। और यहाँ पर देखें कि ज़्यादातर खवातीन की चीज़ें पड़ी हुई हैं, हम लड़कों को सामान कहीं से नहीं मिलता भाई। ये देख रहे हैं कि ये पेंटिंग्स पड़ी हुई हैं, मैरी क्रिसमस। और ये देखें जनाब, यहाँ पर गिफ्ट की पैकेजिंग के लिए भी यहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई हैं, और काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये बैग्स पड़े हुए हैं, ये यहाँ पर अभी आखिरकार लड़कों की भी चीज़ आ गई, एक छोटे से कोने में डाल देते हैं लड़कों को। हेलो आपा काबर,
Baik, silakan nyakai kucing. Apa itu? Eucalyptus oil. Oil, I really don't need bro. Thanks, mate. तो ये देख रहे हैं आप, एक मार्केट थी, हमने इसके अंदर से गुजर के अभी दूसरी साइड पर आए हैं। यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो ये ट्राउजर वगैरह लगे हुए हैं। प्राइस मैंने नहीं पूछी क्योंकि मुझे चाहिए नहीं था। ओह माय गुडनेस ऑफ मर्सी, लुक एट दिस, कितनी कमाल की स्ट्रीट है यार। ये ग्रीनरी देख रहे हैं, आर्किटेक्चर देख रहे हैं, इस तरह लग रहा है कि भाई आपका भाई किसी यूरोपियन स्ट्रीट में आया हुआ है। ओए होए होए होए, चेक करें इंपीरियल किचन। और ये देखें कि यहाँ पर बैठने की जगह भी बनी हुई है, वहाँ पर लोग बैठकर कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि ये सारे क्रिसमस की वजह से सजाया हुआ इन्होंने। ये एक परफ्यूम स्टोर लग रहा है मुझे, और आगे भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो आज का जो है ना, आपका भाई प्रॉपर तरीके से जो है ना SCBD एरिया को एक्सप्लोर कर रहा है, कोई एक चीज़ भी नहीं मिस हो जाएगी। आप अगर SCBD को जानना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक डिटेल ट्रिप है, यहाँ का डिटेल टूर है SCBD का, तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखें जनाब कि आगे SCBD पार्क है कोई, वहाँ पर चलते हैं और वो भी आपको चल के दिखाते हैं कि क्या है। जॉन एंड लॉ, ये जनाब SCBD पार्क आ गए हैं। तो जनाब ये देखें कितनी ज़्यादा स्काई हाई बिल्डिंग है चारों तरफ, और उसके बीच में है SCBD पार्क। आपका भाई अभी यहाँ पर जाएगा और आपको चलकर दिखाएंगे कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि यहाँ पर एक क्रिसमस ट्री लगा हुआ और उसके साथ साथ सारी चीज़ें सजाई हैं। आपा कबर, और यहाँ से भी हम अंदर आ चुके हैं। कैफ़े बेकाहोलिक, ये कोई कैफ़े है, और अभी कोई ख़ास चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रही। लाइटनिंग काफ़ी मज़े के ऊपर, देखिए इस तरह लग रहा है कि स्टार्स हैं, क्योंकि जकार्ता के अंदर इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है, स्टार्स वैसे तो देखे नहीं जा सकते, इन स्टार्स को ही देखा जा सकता है। और ये देखेंगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स भी हैं, और ये एक सेल्फ़ी पॉइंट बनाया हुआ है, यहाँ पर सेल्फ़ी ली जा सकती है, और क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर भी। ये कोई यहाँ पर सिस ऑर्गेनिक मार्केट, यार पार्क कहाँ पे है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है बे। SCBD पार्क के अंदर तो कुछ भी नहीं है यार, कुछ स्टोर्स हैं बस, आगे तो मुझे लगता ख़त्म हो गया है। ये देख रहे हैं आप, कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि आई ट्रस्ट SCBD कभी भी मुझे मायूस नहीं करेगा। कुछ ना कुछ तो प्यारा होगा, कुछ ना कुछ तो मॉडर्न होगा। कहा था ना होगा, कहा था ना होगा। 1 2 3 बूम, देख रहे हैं कितनी कमाल की बिल्डिंग्स हैं। ओह माय गुडनेस, बिल्कुल देखें कि ये सारी कांच की बनी हुई है, शीशे की बनी हुई है। देखें कि रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, सनलाइट जब पड़ती है प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्शन होती है। और अभी आगे चलते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें और भी होंगी। ओबे वो देखो सामने, ये एक मोटरसाइकिलों का स्टोर है, बाइक्स का वो एक स्टोर है। और इसके अलावा लेफ़्ट साइड पर भी कुछ चीज़ें हैं, वो देखें कि वहाँ पर भी कोई मार्केट है, वहाँ पर भी हम जाएँगे, लेकिन पहले हम इस तरफ चलते हैं और हम तो इन बिल्डिंग्स की तरफ जाएंगे। जनाब ये इतनी कमाल की बिल्डिंग्स हैं ना, मैं कहता हूँ आई लव जकार्ता। आपको पता है कि मोहब्बत करने के लिए ना कोई एक वजह भी ज़रूरी होती है, यहाँ हज़ारों वजूहत हैं जकार्ता से मोहब्बत करने की। सो जकार्ता यू आर 1 in 1 million, आई लव यू जकार्ता, आई लव ऑल द गर्ल्स इन जकार्ता। ये देखें अभी भाई, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं कहाँ जाऊँ, चारों तरफ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं। अभी मैं देखता हूँ कि कहाँ पर जाना चाहिए मुझे, कोई अच्छी जगह है इससे ज़्यादा तो उधर चलते हैं, कोई अच्छा सा पॉइंट बना हो। ये देख रहे हैं कितनी खूबसूरत स्ट्रीट है सामने, कितनी स्काई हाई बिल्डिंग्स भी हैं, और मेरे राइट साइड पर मिस्टर पार्क जो है कि एक कोरियन बारबेक्यू रेस्टोरेंट है। भूख ही नहीं लगी, भूख लगी तो खा लेता, आपको पता तो है आपका भाई अमीर आदमी है, मसला ही नहीं है, पैसों का मसला नहीं है, भूख लगी, भूख नहीं लगी हुई। ये देखें कि एक बड़ा कमाल का दरख्त है यहाँ पर, सीसा ऑर्गेनिक मार्केट Lot 8, फ्री पार्किंग, ग्रीन एरिया, वर्थ IDR 100K पर परचेज, मिनिमम 5 लाख, 5 लाख का अगर आप यहाँ से कोई चीज़ लेंगे तो आपको फ्री पार्किंग मिल जाएगी। कैसे ही कमाल की एडवर्टीजमेंट है। आपका भाई अभी तक नहीं थका जनाब, वैसे आपको पता कि मैं जल्दी जल्दी थक जाता हूँ, लेकिन SCBD एरिया एक ऐसी कमाल की जगह है कि यहाँ पर बंदा थकता ही नहीं है, थकावट होती नहीं है, पैदल चलते रहो फील नहीं होगी कि आप थक गए हो। और अभी देखें कि मैं सारे एरिया को घूम घुमा कर, ये मेरे पीछे देखें कि एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी हुई है, फायर फाइटर एंड रेस्क्यू। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये देखें कि सामने एक बहुत ही कमाल की स्ट्रीट होने वाली है जहाँ पर मैं जाने लगा हूँ, District 8 सुद्रीमान Block M विद्या चंद्रा गैटो, पता नहीं क्या ये। अभी हम आगे चलते हैं और आगे आपको चल कर दिखाते हैं कि ये क्या सीन है यहाँ पर, बहुत ही कमाल के दरख्त लगे हुए हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी परिंदों की,
और क्रिसमस की वजह से यहाँ पर हर जगह पर क्रिसमस ट्री लगे हुए हैं और साथ साथ क्रिसमस लाइट्स भी लगी हुई हैं। यहाँ पर चलकर देखते हैं कि क्या क्या है, शायद मैं कुछ खा भी लूँ, क्योंकि आपको पता कि आपके भाई को प्यास जब लगती है तो मैं क्या पीता हूँ। अगर तो आप मेरे पक्के फैन हो तो आपको पता होगा मैं क्या पीता हूँ। मैं पीता हूँ ये वाला कोका कोला। बाकी देख रहे हैं कि लाइट्स कितनी कमाल की हैं और म्यूज़िक लगा हुआ है, कितना यार पुरसकून माहौल है यहाँ पर। यहाँ पर ऑरेंज ड्रिंक भी पी जा सकती है। और आगे चलकर देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। वहाँ पर शुगर कैन जूस भी है। तो जनाब देख रहे हैं ये है SCBD एरिया। आए हाय 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 हाय, चारों तरफ स्काई हाई बिल्डिंग्स, ओ माय गॉड। और बिल्कुल यूरोप की स्टाइल की स्ट्रीट्स बनी हुई हैं। दिस इज़ द मॉडर्न जकार्ता। ये देखें कि एक भाई साहब यहाँ पर स्टैचू बने हुए हैं और लोगों से पैसे लेते हैं। हर जगह पर क्रिसमस ट्री लगे हुए हैं, सफाई का प्रॉपर तरीके से इंतज़ाम किया गया हुआ है। और ये देखें यहाँ पर भी सफाई हो रही है, साथ म्यूज़िक चल रहा है। और मुझे डर ये है कि मेरे ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए भाई, इसीलिए मैं ऊंचा ऊंचा बोल रहा हूँ ताकि म्यूज़िक जो है ना पीछे से इग्नोर हो जाए। ये देखें यहाँ पर भी लोग स्टैचू बने हुए हैं और यहाँ पर म्यूज़िक हो रहा है। मुझे लगता है कि हम यहाँ पहले से गुजरे हैं। तो ये है जनाब इक्विटी टावर, देख रहे हैं कितना कमाल का इतना ऊँचा टावर है। और उसके सामने देखें कि ये मज़े की स्ट्रीट बनी हुई है। देख रहे हैं जनाब कितने ज़्यादा यहाँ पर स्टॉल्स लगे हैं और स्टॉल्स भी इतने एस्थेटिक किस्म के लगे हुए हैं कि बंदा का वैसे दिल करता है कि यार मैं कुछ खा पी लूँ। भूख ना भी लगी हो तो लग जाती है कि यार यहाँ पे बैठकर काफ़ी पीनी चाहिए। तो यहाँ पर लेते हैं हम कुछ भी, यहाँ से कुछ लेते हैं यार, क्या लूँ मैं, ये आइस टी आई गेस। तो यहाँ से हम आइस टी लेंगे और उसको फिर पियेंगे। इतनी कमाल की स्ट्रीट बनी हुई यहाँ पर बैठ कर मज़ा लेकर। आपा का बरमास ब्रापा हर गानिया How much? Yang kecil 3.000, yang gede 5.000. 3.000? Apa? 3.000? Yeah. Okay, satu. Sorry. I wanna have one iced tea. Okay. Big, small one or big one? I guess the small one is okay. 3.000. Okay. And the big one is 5.000. Okay, only one small. One small. One. Yeah. Thank you so much for translating. तो भाई साहब हमने अपना ऑर्डर दे दिया यहाँ पर और I am really so much excited to have a iced tea in front of these beautiful buildings. क्या बात है यार, ये है जकार्ता भाई साहब। ये देखें जनाब कप के अंदर हमारी जो है iced tea डाली जा रही है। ये जो जा रहा है इसके अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें पड़ी हुई हैं और इसके साथ साथ बीच में आइस को ऐड कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अच्छा ही होगा और काफ़ी हाइजेनिक लग रहा है मुझे ये। इट्स गोना बी गुड, लेट्स सी। तो ये हमने इनको पे कर दिया है, सो इट्स डन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड लेट्स सी कि ये कॉफ़ी किस तरह की होने वाली है। देख रहे हैं इतनी मज़े की बिल्डिंग्स के सामने तो मज़े की ही होगी। आपके भाई ने ये यहाँ पर कॉफ़ी रख दी है और यहाँ पर अभी बैठूँगा मैं, तो यहाँ पर बैठ कर पियेंगे हम कॉफ़ी कह रहा हूँ कि आइस टी पियेंगे, क्योंकि प्यास बहुत लगी हुई थी तो ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल थी। तो इंडोनेशिया के अंदर लोग पता किस तरह स्ट्रॉ डालते हैं, इस तरह पकड़ के, इसका मतलब कि आपका भाई हाफ इंडोनेशियन बन चुका है। मंथ अप, आई लव दिस, बहुत ही मज़े की है। और इसके अंदर शुगर यूज़ नहीं हुई और मुझे काफ़ी अच्छा लग रही है, ठंडी भी है और टेस्ट भी काफ़ी मज़े का है। मज़े की तो लगेगी ना कि इतनी सामने प्यारी बिल्डिंग्स हैं और देख रहे हैं कितना एस्थेटिक सीन है, हवा चल रही है आहिस्ता आहिस्ता, मज़े मज़े की येलो लाइट्स लगी हुई हैं और इतना खूबसूरत चेहरा हो, मज़ा तो आ ही जाता है। चलो मैं इसको थोड़ा सा पीता हूँ फिर आगे चलते हैं, मज़ीद देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर एक नस्सी गोरिंग का स्टॉल बना हुआ है, यहाँ पर नस्सी गोरिंग मिलती है। और यार मैं ना इस जगह से मुझे मोहब्बत हो गई है, यकीन करें पूरे जकार्ता की सारी स्ट्रीट से ना मुझे ये वाली स्ट्रीट सबसे अच्छी लगी है। मेरा दिल ही नहीं कर रहा यहाँ से उठ के जाने का, मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पर बैठ के आइस टी एक दो और मंगवा लूँ ताकि सारा दिन बैठ कर ये पीता रहूँ। तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि क्या इससे अच्छी कोई जगह है जहाँ पर मुझे जाना चाहिए। और यार मुझे ना कमेंट सेक्शन में जगह सजेस्ट करता रख रहे हैं, जब आप मुझे जगह कुछ सजेस्ट करते हैं तो मेरा दिल करता है कि मैं वहाँ पर जाऊँ, जब कुछ सजेशन नहीं मिलती तो फिर मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर इंडोनेशिया में आपका गेस्ट हूँ। मुझे बताया करें कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो ये आइस टी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एसटी मनीष सेहत जो कि सुद्रीमान स्ट्रीट में है, लाजमी विज़िट करें इसको। स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बंदा था यार ये, इसने जो है ना मेरा फ़ोन भी चार्जिंग पे लगाया हुआ है, कह रहे थे कि आप घूम फिर कर आ जाओ कोई मसला नहीं, आपका फ़ोन ये सेफ़ है यहाँ पर। मैंने कहा ओके, मैंने सोचा कि मैं आइस टी को एंजॉय करता हुआ साथ साथ चलता फिरता हूँ। ये देखेंगे यहाँ पर लाइव म्यूज़िक हो रहा है और यहाँ पर लोग बैठ कर चाय शाय कॉफ़ी साथ फ्रेश जूस भी पी रहे हैं और
देखिए कितना कमाल का सिंगर है, बाल भी बड़े मजे के हैं। देख रहे हैं जनाब ये कितनी कमाल की स्ट्रीट है, लाइफ स्टाइल देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह का, कितना कमाल का है। बच्चे यहाँ पर स्केटिंग करते हैं, ये मुझे लगता है कि मैं घूम फिर कर वहाँ पर ही आ गया जहाँ पर पहले से लेकिन यह कि जैसे जैसे शाम होती जा रही है यहाँ पर रौनकें बढ़ती जा रही हैं। ये देखें कि वो सामने लिखा हुआ है SCBD एरिया। तो जनाब ये था मॉडर्न जकार्ता, खूबसूरत जकार्ता और न्यूयॉर्क को टक्कर देने वाला जकार्ता। पीछे देख रहे हैं कि अभी भी कितनी ज़्यादा स्काई हाई बिल्डिंग्स हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका भाई जकार्ता से प्यार करता है, इंडोनेशिया से प्यार करता है। आकू चिंता इंडोनेशिया कमू सब्सक्राइब साया चैनल सब्सक्राइब ग्रातिस। ISTV भी ख़त्म होगी और वीडियो को भी ख़त्म करने का टाइम आ गया है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दोबारा एक और वीडियो में मिलेंगे, जकार्ता को और इंडोनेशिया को रीडिस्कवर करेंगे। संपाई जुम्पा लगी, बाय बाय।